नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन न्यूज इंडिया पर ओपिनियन पोल का सटीक विश्लेषण। अगले एक घंटे तक हम आपको दिखाएंगे कि आखिर आने वाले चुनाव में कर्नाटक में किसका पलड़ा भारी होगा, और आखिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल किया या फिर बीजेपी की काम आई विजय संकल्प रैली। वैसे कर्नाटक जिसे दक्षिण भारत में बीजेपी का प्रवेश द्वार माना जाता है, ऐसे समय में जब बीजेपी अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रही हो, राज्य दर राज्य चुनाव में जीत का परचम लहरा रही हो, चुनाव से एन पहले कर्नाटक में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का कितना प्रभाव पड़ा, या फिर मोदी मैजिक लोगों के सिर चढ़कर फिर से बोलेगा, या फिर भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक में दिखाई देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस किसी राज्य का चुनाव अब लड़ने जा रही है। ऐसे में यह भी देखना होगा कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस कोई कमाल कर पाएगी। हालांकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर तमाम तरह के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हाल ही में आए ओपिनियन पोल आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले आज हम दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट और फिर करेंगे चर्चा कि आखिर कर्नाटक में किसका टाइम आएगा। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 मई को कर्नाटक के सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक चरण में वोट डाले जाएंगे और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से सभी दलों ने अपना एक्टिव मोड ऑन कर दिया है। इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव के लिए कमर कस चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। चुनाव से पहले बीजेपी ने कर्नाटक में अपना एक्शन मोड ऑन कर दिया। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े नेता राज्य का दौरा कर रहे हैं। बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को 8500 करोड़ की लागत से मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे समेत कई योजनाओं की सौगात दी। कर्नाटक दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जहां मैं पूरे देश में एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी हूं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस मोदी के कब्र खोदने में व्यस्त है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कर्नाटक में जीत के साथ अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश में जी जान से जुटी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की कोशिश कर्नाटक चुनाव में जीत के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की होगी। वहीं राहुल गांधी के भारत जोड़ो का कितना प्रभाव पड़ा, कर्नाटक का चुनाव इस बात की भी तस्दीक करेगा। बहरहाल चुनाव से पहले कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक दिखाने की कोशिश की जा रही है। डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया एक मंच पर तो दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक की बाजी जीतने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सहारे बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही है, तो कांग्रेस डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया जैसे चेहरे के दम पर दोबारा से सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है। वहीं कुमार स्वामी की अगुवाई में जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर बनने की कवायद में है। कर्नाटक में साल 1985 के बाद कभी कोई सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद वापसी नहीं कर पाई। ऐसे में आने वाले चुनाव में देखना होगा कि बीजेपी 38 साल पुराने रिवाज को तोड़ पाएगी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रिवाज को बरकरार रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, 224 वाले विधानसभा सीटों यानी कि कर्नाटक में किसका पलड़ा भारी है, कांग्रेस क्या सत्ता में वापसी करेगी क्या, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने ये लोगों ने कहा कि बहुत अधिक सुर्खियां बटोरी है, लोग कनेक्ट भी हुए हैं। तमाम मेहमान होंगे हमारे साथ आज के दिन, जिससे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर्वेश्वर पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे जो बताएंगे कि आखिर मौजूदा इस समय परिस्थितियां कर्नाटक की कैसी हैं और समीकरण कैसे बन रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी होंगे कांग्रेस का पक्ष यहाँ पर रखेंगे, आलोक वत्स नेता बीजेपी के, जिनका दावा यही है कि विजय संकल्प रैली काम कर चुकी है। लेकिन सबसे पहले आज के दिन
न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा कि ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि इसी के आधार पर आज के दिन हमारी चर्चा है और ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी को बड़ा नुकसान इस बार कहा जा रहा है। देखिए आप, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, ओपिनियन पोल इस बार का बता रहा है, लेकिन बीजेपी कहेगी नहीं नहीं ये सब गलत साबित हो जाएगा, आप देखिएगा कुछ देर के बाद। कांग्रेस की सीटें बढ़ने की उम्मीद है, तो हो सकता है आसिफ जी आज के दिन थोड़े खुश हो जाए, क्योंकि कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आगे आप देखिए, वहीं कहा यह भी जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस सबसे पार्टी बनकर उभर सकती है। ये क्यों कहा जा रहा है ये बताएंगे हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट यानी कि सर्वेश्वर पाठक जी। आगे देखिए आप, बीजेपी को मिल सकती है 68 से 80 सीटों के बीच, यानी कि एक बड़ा नुकसान है। कर्नाटक दक्षिण का प्रवेश द्वार बीजेपी के लिए, क्या यहां पर कमाल नहीं कर पाएगी क्या बीजेपी। वही कांग्रेस को कर्नाटक में 115 से 127 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, अनुमान ये जताया जा रहा है, और कई बार अनुमान ये हमेशा सही भी साबित हुए हैं। वही देखिए, कुमार स्वामी की पार्टी जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिल सकती है, यानी कि गेम चेंजर पार्टी हमेशा जेडीएस ही साबित हुई है। वही आगे अगर बात करें तो अन्य दलों को 0 से 2 के बीच सीटें मिलने का अनुमान है। आगे ग्राफिक्स आपको बार बार हम दिखाते रहेंगे, लेकिन अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि जो हमारा ओपिनियन पोल है और ये पोल का पोल क्या कहता है, क्योंकि ओपिनियन पोल का सटीक विश्लेषण आज न्यूज इंडिया करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। सर्वेश्वर जी, खेल हो जाएगा क्या? देखिए सागर जी, अभी जैसा कि लगता है और आप अगर देखेंगे 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें अगर आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी आई थी 104 सीट लेके, और वहीं कांग्रेस 78, जेडीएस 37, बीएसपी भी वहां एक सीट निकाली थी। लेकिन अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस की वोटिंग परसेंटेज जो थी 36% के आसपास थी जी, और 2013 में देखिए तो वो 112 से ऊपर सीटें शायद थी कांग्रेस की जी, और 39% वोटिंग परसेंटेज था। लेकिन अगर वही 2019 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे, बीजेपी 28 सीटों में से 25 सीट लेके आई, एक एक सीट जेडीएस कांग्रेस लेके गई, वहां पे बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो गया 51। आप कहेंगे कि विधानसभा लोकसभा चुनाव जो है अलग अलग होता है, मैं भी ये मानता हूं, लेकिन मेरा ये जो बोलने का वक्तव्य ये है कि जो कांग्रेस का वोटिंग परसेंट है, भले वो एक सीट लेके आई, वो जो वोटिंग परसेंट है वो डाउन नहीं हुआ है। तो जैसा बीजेपी दूसरे राज्यों में कहती है उनका वोटिंग परसेंटेज जो एक्यूरेट रहता है, जैसे अभी मेघालय का एग्जांपल देते हैं, पिछले जब चुनाव हुआ था तो भी वहां पे 9-10% के आसपास बीजेपी को वोटिंग परसेंट मिला था, और 2 सीटें इस बार भी वहां उनका जो है वोटिंग परसेंट 10% ही रहा था। तो कांग्रेस ये कंसिस्टेंसी कर्नाटका में बना रखी है, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है। लेकिन लेकिन चर्चा बहुत लंबी है, बीजेपी के हम टशन की बात कर रहे हैं, तो आलोक जी टशन में वैसे रहते ही हैं, आज भी चश्मे में आए हैं यहाँ पर, बीजेपी का लग रहा है खेल हो जाएगा सर, 80 से 65 सीटें नहीं होगा, अभी भी हौसले बुलंद है आपके। बिल्कुल, मैं भी कह रहा था ग्राफिक्स दिखाते वक्त कि आप यही कहेंगे ओपिनियन पोल गलत हो जाएगा। एक बार जब मोदी जी उतरेंगे, ऑलरेडी जा चुके हैं बहुत दफा, और 2-4 बार जब जाएंगे तो सारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि हमने काम किया है, हमारी सत्ता 37 कल्याणकारी योजना कराएंगे मोदी जी, केवल बीजेपी अगर अगर हमारे पास तेंदुलकर है तो उसको इस्तेमाल करने में क्या गुरेज है। मैं जीतने के लिए, पॉलिटिक्स इज लाइक अ डाइल्यूटेड वॉर और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो हम अगर कोई भी अस्त्र इस्तेमाल करते हैं, हम तो अपने प्रधानमंत्री को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बाहर से बोरो प्लेयर थोड़ी ला रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस कोई प्लेयर ला रही है क्या बाहर से? कांग्रेस के पास कोई प्लेयर ही नहीं है, लाएंगे कहां से? वो तो कह रहे हम चमत्कार कर देंगे, एक बार दिखाइए आसिफ जी, कह रहे भारत जोड़ो यात्रा इस बार चमत्कार करेगा। भारत जोड़ो यात्रा एक पिकनिक था, उससे और ज्यादा कुछ नहीं था। हमारे नेता ने शुरुआत के अंदर जो जो यात्रा की वो कर्नाटक से की, और ये कर्नाटक का पहला चुनाव है जहाँ राहुल गांधी जी इतना वक्त गुजारा, ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहा है, भाजपा इससे बच नहीं सकती है। दूसरा, जिस तरीके से देश की जनता ने देखा कि देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से अडानी को बचाया गया, किस तरीके से कोर्ट के फैसले आए, किस तरीके से सारी गतिविधियां चल रही है, तो देश की जनता अब तय करेगी कर्नाटक के चुनाव से। के फैसले पे आप उंगली उठा रहे हैं, देश की जनता तय करेगी कर्नाटक के चुनाव से, किस तरीके से उंगली उठा रहे हैं जनता, कर्नाटक की जनता ये करेगी कि कौन जीत के आएगा, राहुल गांधी के साथ जनता है या नरेंद्र मोदी के साथ जनता है, ये अभी फैसला हो जाएगा 13 मई को। भाजपा को सब कुछ नजर आ जाए किस तरीके से कर्नाटक के अंदर वो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, एक ऐसा डबल इंजन, एक तरफ मोदी दूसरी तरफ मोदी। ठीक है आसिफ जी, मेरे समय सहयोगी दीपक चौबे भी जुड़ गए हैं। दीपक,
कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं इस समय ओपिनियन पोल की तस्वीरें सामने आने के बाद। स्टूडियो में आप सुन पा रहे होंगे जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल किया, क्या ऐसा लग रहा है क्या कि बीजेपी वहां पर अब इधर उधर हो सकती है? दीपक, जी देखिए, अगर बात की जाए तो सागर, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम किया, और अगर बात की जाए बीजेपी पार्टी की, देखिए मैं बिल्कुल इसके पीछे बीजेपी मुख्यालय और यहीं से पूरी रणनीति तैयार होती है, और सबसे बड़ा जो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है। और इस बार जो देखिए अगर बात की जाए तो क्योंकि कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह, उनसे जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम अस्वस्थ हैं, हम दोबारा से सरकार बनाएंगे। और दक्षिण में अगर बात की जाए तो ये पहली सरकार है बीजेपी की जो दक्षिण में, दक्षिण का द्वार दोबारा से वो खोलने की तैयारी में है कि जिस तरीके से दक्षिण में उनकी दोबारा सरकार बनेगी उसके बाद 2024 में रणनीति बिल्कुल अलग होगी। हालांकि अगर बात की जाए तो अगर विकास की बात की जाए तो विकास में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, और पार्टी का देखिए पार्टी संगठन की सबसे बड़ी पकड़ यही होती है कि जो उसके कार्यकर्ता होते हैं उन कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है और पार्टी कार्यकर्ताओं को ही टिकट देती है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो संगठन को लेकर जब चलते हैं तो वो संगठन का फायदा मिलता है। हालांकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस में अंदरूनी फूट भी देखा जाता है वो बीजेपी पार्टी में नहीं है, एक बड़े नेता है उनसे जब मेरी बात हो रही है। दीपक देखिए, वैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर हमारे सहयोगी इस समय रवि सर्राफ है लाइव में, उन्होंने भी तय किया है राहुल गांधी के साथ। रवि, क्या वाकई में वो माहौल बन गया क्या भारत जोड़ो यात्रा से? क्योंकि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा पर बहुत ज्यादा विश्वास है इस बार, और ये उम्मीद लगाए बैठी है कि अब कर्नाटक में नैया पार हो गई है। सागर, देखिए कर्नाटक से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा देखिए दक्षिण से शुरू होता है, वहां से शुरुआत की जाती है। अब बड़े नेताओं की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो खुद कर्नाटक से आते हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा से आते हैं पर उनको कर्नाटक प्रभारी बनाकर भेजा गया, डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के आते हैं। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी जो है रिवाइव कर सकती है, इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता एक एक करके कर्नाटक का दौरा करते हुए एक मेगा टूर प्लान भी बनाया जा रहा है, जिसके तहत आप देखेंगे पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आपको कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात यह कि देखिए पहली प्रत्याशियों की जो सूची है कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा के लिए जारी कर दिया, जिसमें ज़्यादा स्थिति आपको वहाँ पो की नज़र नहीं आएगी और इसमें अंदरूनी लड़ाई भी आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो मौजूदा जो विधायक हैं उनको टिकट दिया गया है, कुछ एक विधायकों को उम्र की वजह से स्वास्थ्य की वजह से टिकट काटा गया है, पर जितने भी मौजूदा विधायक हैं उनको टिकट देने का काम किया गया है, युवा जो नेता हैं उनको टिकट देने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी हर एक रणनीति पे काम कर रही है जिससे उन्हें लगता है कि कर्नाटक में हम रिवाइव कर पाएंगे, और पेसीएम एक अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया होगा। चलिए ठीक है, रवि लौट कराऊंगा। कर्नाटक में देखिए कि जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है, किस जाति का कितना वहां पर वोट बैंक है और आंकड़ा क्या कहता है। चलिए एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर क्या है वहां पर जातिगत समीकरण। अगर हम बात करें एससी एसटी की तो 24.5 सीट आरक्षण है 36, मुस्लिम की बात करें तो 16, 55 से 50 सीटों के बीच वहीं लिंगायत की बात करें तो 14, तो इस समय वहां पर ये आंकड़ा भी बहुत कुछ कहता है। ऐसे में जातिगत समीकरणों को लेकर अगर आज के दिन हम सवाल करें तो सर्वेश्वर जी, किस जाति के लोग किस पार्टी के पाले में ज्यादा गए तो वहां पर उसका गेम जो है बहुत बेहतर चलता है, वो पार्टी जीत प्राप्त करती है, आपको क्या लगता है? देखिए ये हमारे दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, भारतवर्ष में ये जातिगत राजनीति जो है हर एक स्टेट में अपना एक अहम योगदान देता है। अब कर्नाटका को ही देख लीजिए, वहाँ लिंगायत और दूसरी जो जातियां उनका कितना वर्चस्व है, और इसलिए बीजेपी भी जो येदियुरप्पा जी पे अपना पूरा दांव वो उनको वहाँ का एक, और येदियुरप्पा जी की भी पहुंच है वो कर्नाटक में, इसलिए बीजेपी अभी भी उनको नहीं छोड़ रही है। तो ये जाति का जो दाव पेच है वो लगता ही है, और वो अपना अहम योगदान हर चुनाव में मतलब निभाता है, और यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि वो अभी भी जैसे यूपी में था जातिगत, उसमें कमी आई थी, लेकिन बाकी के राज्यों में अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। यही जातिगत देख लीजिए, बिहार में भी यही हाल है, कर्नाटक में भी इसका असर रहेगा इस चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए एक बार अगर हम बात करें, सांप्रदायिक माहौल भी कई बार कर्नाटक में आपने बिगड़ते हुए देखा होगा, ऐसे में ये परिस्थितियां भी वहां पर बहुत मायने रखती हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, सर कई ऐसे मुद्दे रहे जहां पर सरकार फेल दिखाई दी है, चाहे वो मुद्दा किसानों का हो या फिर बात रोजगार को लेकर हो। सर्वेश्वर जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत उठा, क्योंकि बीजेपी के नेता के लड़के सब लोग भ्रष्टाचार में शामिल रहे, लेकिन सर आप लोग बड़े खामोश हैं उस मुद्दे पर, क्यों आलोक जी?
देखिए कर्नाटक में अभी जो चुनाव होगा ये कल्याणकारी योजनाओं बनाम अकल्याणकारी योजनाओं से होगा। हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और पहले येदुरप्पा जी के नेतृत्व में बाद में बोमई जी के नेतृत्व में इसको हमने धरातल पर उतारने का काम किया है जिससे लोगों को डायरेक्ट रिलीफ मिला है। और ये बात सही है जो सर्वेश्वर जी ने कहा कि ये जातिगत मामले में कोई भी राज्य मुझे शायद ही हिंदुस्तान का कोई राज्य है जो अछूता नजर आता है और साउथ वगैरह में तो ये बिहार की तरफ प्रबल मायने रखता है। लेकिन पिछले चुनाव में आपने देखा होगा गुजरात इसका एक जीता जागता उदाहरण है जहां पर 10 मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में 7 में बीजेपी को तो यह सफलता हासिल हुई है। तो अब ये मिथ हमने तोड़ दिया है कि हमारे लिए कोई जात अछूता है क्योंकि लोगों को जो कल्याणकारी योजनाएं हैं 37 मैं गिनाना नहीं चाहूंगा ये सब सर्वविदित है उससे समाज के हर वर्ग को जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेने की कवायद हमने की है उसमें हर वर्ग को हमने प्रभावित किया। अब माहौल की बात आप कर ही रहे हैं तो कांग्रेस से माहौल पर एक सवाल ले लें। सर कांग्रेस हर बार माहौल बनाने में फेल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा सर्वेश्वर जी आप भी जान रहे हैं बीजेपी माहौल बनाने में कितनी आगे है। वो माहौल क्रिएट किया जाता है बीजेपी की तरफ से चुनाव के पहले बड़ी बड़ी रैलियां बड़ी बड़ी सभाएं बड़ी बड़ी सौगातें कर्नाटक को मिलने लगी हैं लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी तमाम ये दिग्गज चेहरे थोड़े से कम एक्टिव दिखाई दे रहे हैं अभी भी क्यों सर? अब चुनाव घोषणा हो गया है नरेंद्र मोदी की तरह हमारी सरकार लीडर नहीं है जिस तरीके से जहाँ जहाँ चुनाव होता है 12 रैली करके आ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक जाके उनका काम है सिर्फ देश चलाना नहीं जहाँ चुनाव जिताना। अब ये दिखाई दे जाएगा 13 मई को किस तरीके से राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव होने जा रहा है। दूसरा जो कर्नाटक की सरकार है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार 40% कमीशन खोरी किस तरीके से भाजपा के नेताओं के घर से पैसा मिला है और 8 करोड़ मिलने के बाद में 8 मिनट में उनकी बेल हो गई है और ईडी वहां जाती नहीं रास्ता भूल जाती है। तो जहां पे कमल का फूल गले में डाल लीजिए आपको तमाम संस्थाएं सरकार की भूल जाएंगी भाजपा उस पर बात ही नहीं करेगी क्योंकि भाजपा जानती है कि हमारे लिए कमल का फूल इतनी बड़ी चीज है वो ईडी को दबा देगा। देखिए बड़े मुद्दे का जिक्र हो रहा है आप लोग के सामने बड़े मुद्दे कर्नाटक के क्या है सांप्रदायिक का मुद्दा हमेशा गरमाया कर्नाटक में आप लोगों ने देखा होगा अभी हमने सवाल भी इसको लेकर किया था। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ा मुद्दा है बेलागावी का सीमा विवाद को लेकर इस बारे में भी पाठक जी हमें समझाएंगे कि आखिर ये मुद्दा क्यों गरमा रहा। आरक्षण का मुद्दा भी देखिए बहुत बड़ा है कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वही इसके साथ ही साथ कर्नाटक में महाराष्ट्र के साथ जो सीमा विवाद चला है पाठक जी बहुत अधिक ये भी माने रखता है और हमेशा इस पर रार भी छिड़ी रही है। वही इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार की चर्चाएं खूब है बीजेपी के नेता का भी नाम का हमने जिक्र किया है कर्नाटक के भी डीके श्रीकुमार चाहे तमाम नेता छूते नहीं है वो भी अभी जिक्र हम करेंगे। बिटकॉइन घोटाला भी चुनावी मुद्दा इस बार के चुनाव में यानी कि जो चुनाव होने वाले 224 विधानसभा सीटों पर ये सभी मुद्दे बहुत मायने रखते हैं और किसानों से जुड़े मुद्दे भी बहुत अहम हैं। आसिफ जी आप कह रहे थे अभी कि जो गले में कमल का फोटो टांग ले वो हर चीजों से बच जाता है तो कहीं आप भी तो विचार नहीं बना रहे हैं? नहीं हमने विचार नहीं बना हमारे विचार ऐसी संस्था से ऐसे संगठन से जो देश विरोधी लगता है हमें जो दूसरों को आपस में लड़ा सांप्रदायिक दंगे कराए इनका भाजपा काम ही आपने कहा सांप्रदायिक दंगे पूरी स्टडी करके आए सर एक ही दंगे जाने आसिफ जी बोलिए दंगे हुए दिल्ली दंगे हुए कितनी हुए इस तरह की निगरानी में दिल्ली चलती है नहीं कितने लोग मारे जहांगीरपुरी में भी दंगा नहीं हुआ विवाद हुआ था दिल्ली दंगे हुए सागर भाई दिल्ली में दंगे हुए लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां चुप रही आम आदमी पार्टी को वॉक ओवर दे देती है। आप देखिए क्या है कि एक बार लाइएगा कैमरा इधर हमारे सहयोगी रवि सराफ भी हैं पार्टी इतना पाठक जी आऊंगा देखिए हमारे सहयोगी रवि सराफ भी हैं दीपक चौबे भी लाइव में जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें रवि मौजूदा समय में आप देख रहे हैं डिस्कशन के दौरान ये कहा जा रहा है कि दंगे जैसे मुद्दे बहुत हावी रहे सांप्रदायिक माहौल कई बार कर्नाटक में बिगड़ा है तो क्या इन 5 सालों के दौरान कब कब ऐसी तस्वीरें आपने देखी है जब ऐसा लगा है कि कर्नाटक का माहौल बिगड़ा है और वो माहौल बिगड़ने से किस पार्टी को नुकसान हो सकता है? रवि
बिल्कुल सागर, देखिए अभी रामनवमी के दौरान भी वहाँ पर हिंसक झड़प देखने को मिला, पर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक मामले पर मैदान में नहीं जाना चाहती है। भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। आपने देखा होगा पी सीएम का जो पूरा एक अभियान जो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में चलाया, 40% कमीशन का जो चलाया, वो काफ़ी सक्सेसफुल भी होता हुआ वहाँ पर नजर आया, क्योंकि जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करता है भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा। तो इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर ग्राउंड तलाश रही है, ना कि सांप्रदायिक मामले पर कांग्रेस पार्टी जाना चाहती है। तो कांग्रेस का कोशिश यही है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को कर्नाटक में उठाया जाए और इन मुद्दों पर ही चुनाव वहाँ पर लड़ा जाए। इसीलिए पी सीएम, 40% कमीशन, ये तमाम चीजें जो है कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में उठाया है और इसी लाइन पर कांग्रेस के जो नेता हैं कर्नाटक में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जहां तक जातीय समीकरण की अपनी बात की तो देखिए, एक तरफ डीके शिवकुमार, दूसरी तरफ सिद्धारमैया, फेस कांग्रेस पार्टी आगे नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर किसी एक चेहरे को आगे करेंगे तो जो कुटबाजी है वो बहुत ज्यादा उजागर हो जाएगा और शायद नुकसान हो जाए। तो किसी भी चेहरे पर कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। नतीजों के बाद आखिरकार फैसला होगा, वो बात की चीजें। और जेडीएस, जहां तक जेडीएस भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस पूरे कर्नाटक के चुनाव में, एक की मेकर की भूमिका में भी आपको जेडीएस नजर आता है, तो जेडीएस के साथ भी कैसे तालमेल किया जाए चुनाव रिजल्ट के बाद, उस पर भी ऑपरेशन चल रहा है, उस पर भी लगातार काम कर रहे हैं कांग्रेस के जो तमाम कर्नाटक प्रदेश के जो बड़े नेता आते हैं, वो इस भूमिका पर भी काम कर रहे हैं कि अगर नतीजे कुछ इस तरीके के आते हैं जिसमें जेडीएस को शामिल कराया जाए। रवि भी, रवि लौट कराऊंगा, हमारे सहयोगी दीपक चौबे भी हैं। दीपक, अभी आलोक वर्ष जी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी माहौल बना चुके हैं कर्नाटक में, वापसी तय है, क्या अब ये हम भी मान चुके हैं और क्या ये पूरा देश अभी जान रहा है कि बिना मोदी के बीजेपी की नैया पार नहीं होने वाली है? पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी मैजिक के भरोसे ही बीजेपी सभी राज्यों में चुनावी मैदान में उतरती है? दीपक, जिसमें बिल्कुल दोहरायनीय सागर, और क्योंकि अगर बात की जाए तो पार्टी की, बीजेपी पार्टी की, तो सबसे बड़ा जो चेहरा है और जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि अपडेट में एक चीज़ और दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ वो 3 दिवसीय एक कार्यक्रम है उसका उद्घाटन करेंगे और कहीं ना कहीं उसी दिन से चुनाव की घोषणा एक तरीके से माना जाए कि बीजेपी पूरे जोश के साथ चुनाव में उतरेगी। हालांकि अगर बात की जाए कि जिस तरीके से अगर बात की जाती है कि सांप्रदायिक दंगों को लेकर, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहा जाए कि चला, उसके बाद जो एक अगर पूरे देश में एक मैसेज गया कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले अगर कहीं ना कहीं अगर सबसे बेस्ट है तो वो है यूपी। जिस तरीके से पहले वहाँ पे गुंडा राज था, या फिर अगर बात की जाए तो लगातार तमंचे की बात होती थी तो नंबर वन पे यूपी आता था, पर जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है और विकास हुआ है, इन्वेस्टमेंट आए हैं, उसी को लेकर कर्नाटक की सरकार भी लगातार प्रयास करती है और लगातार की कर्नाटक की जो सरकार है उसने इन्वेस्टमेंट भी लाई थी। उसके बाद वो चाहती थी कि जिस तरीके से योगी मॉडल या फिर बुलडोजर मॉडल जो है वो कर्नाटक में हो, और इसी का उदाहरण के सांप्रदायिक दंगे हुए हैं पर कम हुए हैं, ये बात पार्टी भी मानती है, पर कुछ चीज़ों पे लोगों की नाराजगी है, उन नाराजगियों को दूर करने के लिए पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी जनता तक जाएगी, पार्टी ने एक डिसाइड किया है कि एक फॉर्म होगा जिसको भरवाया जाएगा और उनसे कर्नाटक विधानसभा में ओपिनियन लिया जाएगा कि आखिर कौन सा विकास की बातें या फिर कौन सी चीज़ें रह गई हैं जो बीजेपी को आगे करना चाहिए, 5 साल और करना चाहिए, और आप दोबारा से 5 साल बीजेपी को दीजिए कि कर्नाटक को और विकास के रास्ते पर लेकर चला जाए। सागर, चलिए बिल्कुल दीपक, देखिए अगर हम बात करें मौजूदा समय में कर्नाटक में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई दे सकता है। रवि दीपक बने रहिएगा, लेकिन अगर हम बात करें चुनाव में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसका आपको असर दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ हमारे 3 मेहमान जो इस समय चर्चा में बने हुए हैं आपके साथ, अभी भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन ब्रेक के उस पार चर्चा होगी कर्नाटक में मठाधीशों का कितना दबदबा है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिसके पक्ष में मठाधीश वहां के चले गए उसकी नैया पार। कर्नाटक में इस बार मुंबई का यह भी दावा है कि हम फिर से चुनाव जीतेंगे, लेकिन ब्रेक के इस बार हमने आपसे बोला था कि चर्चा करेंगे मठाधीशों को लेकर भी और तो और आरक्षण को लेकर भी, लेकिन मुंबई ने क्या जिक्र किया चुनाव की पहले और क्या उनके दावे हैं, सुनिए आप। फॉर लास्ट 3 मंथ्स आई विजिटेड
more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th, BJP will have a handsome victory, will win a hands down victory, and will get absolute majority. And we take the responsibility of taking Karnataka forward towards new Karnataka. तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से कि आखिर कर्नाटक में किसका पलड़ा भारी है। पाठक जी के पास आते हैं पहले। मठाधीशों का कहा जाता है कि बहुत बड़ा रोल है, जिसके पाले में मठाधीश चले गए समझ जाइए कर्नाटक में जीत प्राप्त कर लिया। और सबसे ज्यादा प्रभाव कर्नाटक में कहा जाता है कि येदियुरप्पा का है मठाधीशों पर, इसीलिए बीजेपी शायद साथ नहीं छोड़ रही है। देखिए सागर, आपने सही कहा, कर्नाटक के 30 जिलों में 600 से अधिक मठ हैं और इनका जो दबदबा है 1983 से अगर देखोगे तो कर्नाटक के चुनावों में इनका दबदबा बहुत ही जबरदस्त रहा है। अगर देखा जाए तो अब अगर 440 मठ जो है वो लिंगायत समुदाय के हैं और उसमें 150 मठ बोकालिंगा समुदाय के हैं और 80 से ज्यादा जो मठ है वो सिद्धगंगा समुदाय के हैं। और देखिए कि जो राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो वो भी वहां पे सिद्धगंगा मठ में गए थे और करीब 15 बार इन मठ और मंदिर में वहां गए हैं कर्नाटक में। और माननीय अमित शाह जी भी गए थे वहां पे, आपको याद होगा बादामी में शिव योगी मंदिर था वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। तो लेकिन बीजेपी का क्या है कि वो सनातन धर्म के लिए काम करती है और उनके चुनाव के प्रचार कहिए या उनके घोषणा पत्र कहिए, वो सनातन धर्म के लिए मतलब उनका चुनाव प्रचार में रहता है घोषणा पत्र में। लेकिन जो कांग्रेस की बात होती है, कांग्रेस की जो चुनावी हिंदू बनने की जो माननीय राहुल गांधी जी की जो झलक आती है वो कहीं ना कहीं वहां पे उन मठाधीशों को ये प्रभावित करता है। चाहे आप जाके मठाधीशों से मिलो, इनको आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करो, लेकिन ये जो 600 मठ हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 जिलों में ये पूरे फैले हुए हैं, इनका जो वोटिंग शेयर है वो 38% है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में इनका कितना वर्चस्व है। अगर जो जैसे ये लिंगायत समुदाय है तो येदियुरप्पा जी का वहां पे जो लिंगायत समुदाय है उसमें अच्छा खासा प्रभाव है। तो इसीलिए बीजेपी येदियुरप्पा जी को हटा के इनको बोमई जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन येदियुरप्पा जी उनके वरिष्ठ नेता हैं तो उनपे भी मतलब उनको पूरा जो कहिए तवज्जो देते हैं। तो इस चुनाव में हमें ये देखने को जरूर मिलेगा। और ये जो है ये 1900 जैसा कि मैंने बताया कि 1983 से अपना दबदबा या प्रभाव कहिए इन मठों का कर्नाटक के चुनाव में रहा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। लेकिन लेकिन आलोक जी, सीमा विवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और महाराष्ट्र से ही लगातार देखिए विवाद होता रहा, तो ऐसे में सर सीमा विवाद का मुद्दा तो भारी नहीं ना पड़ेगा आप लोगों पे? देखिए सीमा विवाद का मुद्दा बहुत पुराना है, ये जब स्टेट एनएक्ट हुआ था तब से ये चल रहा है। 865 विलेजेस का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है और महाजन कमीशन की भी एक रिपोर्ट आई है इसके ऊपर। तो अभी दोनों स्टेट्स को माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि होल्ड योर गन्स, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक इस पे आप स्टेटस को मेंटेन करें। लेकिन सर मुस्लिमों से आप लोगों ने आरक्षण क्यों हटा दिया 4%, वो मुद्दा आप लोगों पे भारी ना पड़ जाए? कोई मुद्दा भारी पड़ने वाला नहीं है। वो नहीं, कांग्रेस बार बार कह रही है कि अगर हम वापस लौट कर आए तो उसको शुरू कर दें। वो एक बेतुकी आरक्षण थी जिसको हमने विड्रॉ कर लिया है। बेतुकी थी क्या पाठक जी? देखिए धर्म के आधार पे आरक्षण हमारे संविधान में नहीं है, और अगर आप कुछ करोगे तो उसके बाद अगर आप साउथ भारत के साउथ के राज्यों में देखो तो वहाँ पे क्रिश्चियन समुदाय है, बाकी के समुदाय धर्म के आधार पे आरक्षण मांगने लगेंगे। देखिए आरक्षण मिलना चाहिए उनको जिसकी जो मतलब वो सक्षम नहीं है जी। धर्म के आधार पे आरक्षण की अब बात कम से कम 21वीं सदी में भारत में तो नहीं होनी चाहिए। और वो धर्म के नाम पर आरक्षण दिया गया। आसिफ जी, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिमों को जो आरक्षण वापस लिया गया हम आएंगे तो उसको चालू कर देंगे, क्या वोट बैंक की तलाश है क्या वहाँ पर? वोट बैंक की तलाश नहीं है, जो पिछड़ा वर्ग है मुस्लिमों में उसके लिए अगर वापस सरकार में आ रहे हैं आने के बाद में उसको लागू करेंगे। दूसरा जो सरकार है उस सरकार ने किस तरीके से करप्शन कर्नाटक के अंदर फैलाया सबके सामने, किस तरीके से मंत्री हटाए गए, किस तरीके से उनके एमएलए के घर से पैसा पकड़ा गया, किस तरीके से अभी आपने देखा येदियुरप्पा जी के ऊपर इतने अटैक,
मुंबई जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए, उनको रैली नहीं करने दी गई, उनके घर पे किस तरीके से पथराव किया गया, ये भाजपा की कौन सी पॉलिसी है? एक इतने बड़े नेता के घर पे अभी तक अरेस्ट कोई नहीं किया इन्होंने। हम तहकीकात करेंगे, तहकीकात कैसे करेंगे, क्योंकि सरकार शामिल है पथराव कराने में। आपने इज्जत भी देनी है, इज्जत खत्म भी करनी है उनकी। ये काम पे भाजपा काम कर रही है, एक ऐसे लीडर, उम्र दराज लीडर को जिसपे करप्शन के इतने मुकदमे थे, उसको ले जाके आपने अपनी मेन कमेटी में ले जाके बैठा दिया। ये करप्शन की सरकार बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, गले में कमल का फूल डालिए, करप्शन मुक्त हो जाइए। नहीं नहीं, यही आपकी नीति है। हिसाब से तो आपके माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सारे बेल पे हैं, और सारे नेता बेल पे हैं। हमारे नेता पे हेराल्ड केस, नहीं नहीं, हमारे हेराल्ड केस का बेल पे क्यों है? हम दे रहे हैं, जवाब दीजिए, बेल पे क्यों है? झूठा है, बेल पे झूठा मुकदमा है, झूठा मुकदमा है सर, विश्लेषण सर, सारे नेताओं को, सर मुद्दा सर बचाने के लिए, सारे नेताओं को झूठा मुकदमा है। आसिफ जी, आसिफ जी, आप लोग को आसिफ जी, एक आसिफ जी सजा कराई, एक मिनट सर, आसिफ जी, आज के दिन का मुद्दा है कर्नाटक में किसका टाइम आएगा? सर ऐसे चिल्लाएंगे तो टाइम कैसे आएगा? टाइम आएगा ओपिनियन पोल पर, सटीक विश्लेषण, चर्चा हमारी ओपिनियन पोल को लेकर, लुटावा करप्शन में लिप्त आ रही है, उसका वक्त आ चुका है। वो खत्म होने जा रहा है, किस तरीके से बिल बढ़े, इस बात का नतीजा है। कहा जा सकता है कि अगर ये ओपिनियन पोल भाजपा का रास्ता साउथ में बंद हो जाएगा, देखिए जैसे जैसे चुनाव आता है और माननीय मोदी जी पे बात है, वो चुनाव को पलट सकते हैं। चलिए ठीक है, हमारे हमारे सहयोगी सर लौट कर आऊंगा, पाठक जी आऊंगा, सिर्फ आइएगा एक बार, एक मिनट सर, सर आप ही लोग के पास आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ। अगर हम बात करें इस समय कर्नाटक की, आसिफ जी आ रहा हूँ, अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो वहां पर हमारे सहयोगी रवि सर्राफ लगातार देखिए कवरेज के लिए पहुंचे हैं। रवि, मठ का कितना अहम योगदान है? देखिए हमने चर्चा तो की पाठक जी से, लेकिन 600 से अधिक मठ है केवल 30 जिलों में, यही नहीं कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी ने मानो पकड़ रखा है इस समय, कांग्रेस वहां पर अपनी पकड़ कैसे बनाए ये बहुत मायने रखता है। रवि बिल्कुल सागर, देखिए मठों का बहुत बड़ा योगदान भी है, और ये कहा जाए कि चुनाव में इसे भुनाने का भी काम किया जाता है, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक बहुत बड़ा भूमिका होती है। पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप याद करें तो आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, वो भी वहाँ पर लगातार प्रचार कर रहे थे और तमाम मठों में भी जा रहे थे, वहाँ से वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। तो बड़ा एक योगदान मठों का भी रहा है तमाम विधानसभा चुनाव में, और कर्नाटक में भी रहने वाला है। दूसरी, जो बार बार कांग्रेस के जो नेता हैं पैनल में बैठे हैं, वो बार बार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सेट करने का काम किया है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अभियान वहां पर चलाया, और ये बात कहने में कोई दुरेज नहीं होना चाहिए कि एक सफल अभियान कांग्रेस पार्टी ने वहां कर्नाटक में भ्रष्टाचार का चलाने का काम किया है, और वो आज जो है जनता के बीच चली गई है। अब भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को कैसे खत्म करेगी, किस तरीके से इसका सामना करेगी, वो भाजपा के नेता बता पाएंगे, पर एक अभियान जो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर छेड़ा है भ्रष्टाचार का, उसे लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी चल रही है। और आप देखेंगे राहुल गांधी की भी रैली होने वाली है बहुत जल्द कर्नाटक में, राहुल गांधी जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक के मसले को ही लेकर 2019 में जो कहा उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो कर्नाटक से अपनी बात रखेंगे और भ्रष्टाचार के मुद्दे को राहुल गांधी भी वहां पे उठाएंगे, और बड़े नेताओं की साख लगी हुई कर्नाटक विधानसभा चुनाव से, क्योंकि अगर नतीजे सही नहीं आएंगे तो उन नेताओं की भी स्थिति आपको अच्छी नजर नहीं आएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उनको बिठाया, और उसके बाद एक के बाद एक तमाम बड़े नेता जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, आलाकमान के साथ जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो रख देते हैं, क्योंकि अभी तक वो दिग्गज है। अगर उनकी साख गिर गई यानी कि नतीजे सही नहीं आए तो उनकी भी स्थिति आपको सही नजर नहीं आएगी, तो ऐसे में तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो लगे हुए हैं कि कर्नाटक का किला किसी तरीके से फतेह कर लिया जाए, और कर्नाटक का किला अगर प्राप्त कर लेते हैं तो लोकसभा में भी इसका असर जाएगा, क्योंकि तुरंत लोकसभा का चुनाव होने वाला है और अच्छा खासा जो संख्या लोकसभा की सीटों के वो कर्नाटक से भी आती है। तो ऐसे सहयोगी दीपक चौबे भी हैं, दीपक, बीजेपी ने इस समय पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे राहुल गांधी पर हमला बोले, चाहे वो सदन में माफी मांगने का मामला हो या फिर लंदन में जाकर बयान देने का, और संसद की सदस्यता गई है इस पर भी बीजेपी घेरने में लगी है, क्या ये सब मुद्दे प्रभाव डालेंगे क्या कर्नाटक में, क्या वहां की जनता ये समझ पाएगी क्या कि हाँ राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो कर्नाटक को चला पाए? दीपक,
सागर आपको याद होगा कि मैं और आप लाइव थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस इसी दीनदयाल उपाध्याय से थोड़ा सा आगे जो बीजेपी का कार्यालय वहां से उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब जितनी जो पार्टी है जो भ्रष्ट पार्टी है वो अब एकजुट होंगी और आपके खिलाफ लड़ेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने सांसदों को और अपने मंत्रियों को कहा था कि आप जनता तक जाइए और पहुंचाइए, ये पार्टी जो है ये 2 सीटों से आज 300 सीटों के पार पहुंची है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं के और जनता के प्यार है, उस जनता के प्यार के आशीर्वाद से ये पार्टी आज पहुंची है। हालांकि देखिए लगातार बीजेपी का आरोप यही है राहुल गांधी को लेकर कि जब अगर पवन खेड़ा के मामले में पार्टी के या फिर कहा जाए कि देश के बड़े बड़े वकील जो है वो खड़े हो जाते हैं तो राहुल गांधी के मुद्दे पर क्यों नहीं खड़े होते हैं। ओबीसी समाज का जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान देकर सूरत जो रैली थी उसमें किया था, उसका कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, तो आखिर ओबीसी समाज को लेकर कब तक राहुल गांधी ऐसे बयान देते रहेंगे। उसके बाद पार्टी की तरफ से या फिर अगर ओबीसी जो बीजेपी का ओबीसी अध्यक्ष है के लक्ष्मण वो हो या फिर पार्टी ने एक रणनीति बनाई कि किस तरीके से आगे राहुल गांधी से माफी मांगनी है और बताना है कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से देश की जनता के लिए। बिल्कुल देखिए दीपक, सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस के हाथ को कर्नाटक का साथ मिलेगा या फिर कमल खिलेगा, यही लोगों के जहन में सवाल है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी देखिए इस बार चुनावी माहौल बनाने में लगी है कर्नाटक में। अगर हम बात करें कर्नाटक की तो वहां पर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व इस समय कुछ भी नहीं है, लेकिन संजय सिंह क्या कह रहे हैं सुनाते आपको। एक पार्टी जो नेशनल पार्टी बन चुकी है सारे नियमों के आधार पर, उसको आपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए बगैर कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर कैसे कर दिया? यह तो अन्याय है हमारी पार्टी के साथ, घोर अन्याय है। कर्नाटक में चुनाव आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिए बगैर कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल गलत है और चुनाव आयोग को तत्काल इस पर फैसला लेना चाहिए। एक पार्टी जो नेशनल पार्टी बन चुकी है सारे नियमों के आधार पर, उसको आपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए बगैर कर्नाटक का चुनाव डिक्लेयर कैसे कर दिया? यह तो अन्याय है हमारी पार्टी के साथ। तो अब इस समय चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि अभी हम तो पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे, लेकिन तारीखों का ऐलान। लेकिन चर्चा इसी पर कि ओपिनियन पोल के आंकड़े इस बार कर्नाटक की तस्वीर पूरी तरह से बदल रहे हैं। जेडीएस की अगर बात करें तो जेडीएस जैसी कई पार्टियां पूरे देश भर में, कई राज्यों में, जो चुनाव जीतने के बाद अहम भूमिका निभाती हैं, चाहे वो आपने बिहार देखा हो जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी बेशक सबसे कम सीटें पाई लेकिन पलड़ा हमेशा उन्हीं का भारी रहा। चाहे हम बात करें जेजेपी की हरियाणा की, और अब आप जेडीएस को ही ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, क्यों पाठक जी आपका कहना सही है। देखिए अगर आप वो देखोगे 2013 का चुनाव, 2013 में जेडीएस और बीजेपी दोनों ने 40-40 सीटें ली थी और वोटिंग प्रतिशत भी दोनों का, बीजेपी का 19.9 था और जेडीएस का 20% था। वहीं अगर 2018 के विधानसभा चुनाव को देखोगे, जेडीएस 37 सीटें लाई थी और उसका वोटिंग प्रतिशत थोड़ा गिर गया था, वो 18% के आसपास हो गया था, लेकिन बीजेपी वहीं पे 104 सीटें लेके 36% वोटिंग शेयर के साथ थी। तो जीडीएस जो है, और हम सबों ने देखा था कि जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलके सरकार बना ली थी, तो जेडीएस का वहां पे जो रोल है, जो कहा जाता कि किंग मेकर की भूमिका, हम उसको झुठला नहीं सकते और उसका वोटिंग परसेंट भी नहीं जाता है, 1-2% अप एंड डाउन है और वो जो इंटैक्ट है उनका वोटिंग परसेंट कांग्रेस की तरह, जैसे 39% कांग्रेस का, उससे 36% आता है लेकिन वो इंटैक्ट है वहां पे। बीजेपी के उसमें इजाफा होता है, जैसा कि मैंने लोकसभा जिधर लड्डू मिलता है उधर जेडीएस चली जाती है, जहां लगता है फायदा है। वो तो नेचुरल सी बात है, जो किंग मेकर की भूमिका में होती ही है, वो तो जिधर लड्डू मिलेगा उधर ही जाएगा। सागर 10 सेकंड, जैसा कि मैं मठ की भूमिका हो रही थी, वहां पे जो तीसरा समुदाय है मठ का, वो कुरवा समुदाय है और इसका अपना अहम योगदान है। और दूसरा, आपके रिपोर्टर रवि जी भी बता रहे थे जो जेडीएस की भूमिका की हम बात कर रहे थे, तो देखिए जेडीएस अभी इसलिए अहम भूमिका निभाएगी कि वहां उनका वर्चस्व रहा है। आम आदमी पार्टी के बारे में आपने बताया, आम आदमी पार्टी वहां पे ज्यादा खेल नहीं कर सकती। देखिए वहां 224 सीटें हैं,
200 सीटों हिंदू जो बहुल आबादी में है, मतलब हिंदू वोटर्स का दबदबा है, और वहां पे अगर हिंदू वोटर्स की देख लीजिए प्रतिशत तो 85% है, और मुस्लिम वोट जो है 13% के आसपास है। तो वहां पे अगर आप जाके कोई अलग गेम खेलना चाहो वो नहीं हो सकता, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि वहां पे जो परंपरागत वोट है कांग्रेस बीजेपी जेडीएस ये तीन जो पार्टी है वो अहम भूमिका वहां पे निभाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की तो जेडीएस देखिए साथ खड़ी थी और कई उनके विधायक भी बीजेपी का दामन थाम लिए, और तो और 1985 के बाद कोई ऐसा 5 साल का कार्यकाल के बाद मौका नहीं आया जब कोई पार्टी सत्ता में वापस लौट कर आई हो, यानी कि तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की तरह ही यहां पर भी है। क्या इस बार ये रिवाज बदलेगा क्या, लोगों के जहन में सवाल यह है। लेकिन आसिफ जी से सवाल अब ये है सर, ना तो आप अपनों को साथ लेकर चल पाते हैं ना तो जेडीएस को, अपने तो अलग हो ही गए जेडीएस भी चली गई, और आप ये भी कहेंगे कि हाँ बीजेपी ने लोक लुभावन कुछ पैसे भेजे होंगे तभी विधायक जी पाला बदल दिया, या कुछ और बात थी? मैं पाले की बात ही नहीं कर रहा, किस तरीके से जेडीएस के हमारे नेता सारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके सर फुटेबल बीजेपी के अंदर है ये दिखाने, बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है लोगों को बोलने भी। दूसरा आपने कहा पैसों से खरीदना, पैसे की खरीद फरोख तो समझ में आती है, किस तरीके से भाई साहब ने जिक्र किया जेजेपी का, जेजेपी ने किस तरीके से पहले उसके नेता ने अपने जेल से छुटवाया तब जाके शपथ के लिए तैयार हुआ, किस तरीके से भाजपा के कर्नाटक के, मैं नहीं दोनों का जवाब दे रहा हूँ ना, जहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट की बात होगी, जहाँ पे छोटे संगठनों की बात होगी, वहां क्या इस तरीके से भाजपा के लोग सरकार बनवाएंगे, जेल से बाहर लेके आएंगे उन मुकदमेवारों को जिनको सजा हो चुकी है, और बाहर लाने के बाद सरकार बनेगी, इस शर्त पे सरकार बनाएंगे? नहीं, आपके विधायक, अगर आपके विधायक बीजेपी के पाले चले गए तो उनकी गलती है सर, चले गए वो अलग बात है, लेकिन क्या देश के कानून जो जज फैसला देंगे उसके खिलाफ जाके सरकारें बनाई जाएंगी? अब देखिए राजस्थान में, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी थी ना, आप बोलिएगा, क्या ये हरियाणा में नहीं हुआ? हरियाणा में सरकार इसी तरीके, चौटाला ने पहले अपने फादर को बाहर निकाला फिर सरकार बनवाई, यही है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा मोदी जी ने, मोदी सर ने ओबीसी का अपमान किया, ललित मोदी जो हिंदुस्तान का पैसा डकैत लेके भाग गया, बैंकों का पैसा, जनता का पैसा, वो इनके लिए ओबीसी का नेता हो गया, नीरव मोदी जो डकैत है जो भाग गया हिंदुस्तान छोड़ के, वो ओबीसी का, तमाम लोग इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं, ओबीसी के मोदी, उन्होंने कहा कि सारे चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, जो लंदन से मतलब सारे चोर भी भटक गए, जनता तय कर लेगी सर डकैतों के साथ कौन खड़ा है, पानी वानी पिला, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए, 13 तारीख को देश की जनता तय करेगी किस तरीके से भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोग ईमानदारी के साथ जनता के साथ खड़े नहीं खड़े, ये आप 13 तारीख को आपके कांग्रेस किस तरीके देश के प्रधानमंत्री कंधा से कंधा मिला के दुनिया में घूम रहे हैं, एक 602 नंबर के आदमी को अभी कहा गया था चैनल के ऊपर देख रहे हैं, दो से हम आलोक जी कितने, आलोक जी कितने चिल्लाउट बैठे हैं, पहुंच गए, लेकिन वही 602 का आदमी 2 नंबर पहुंच गया, ये कौन सा भ्रष्टाचार है जो मोदी जी से कंधे से कंधा, आप कुछ पढ़ लिख के नहीं आते हैं टीवी चैनल मोटिवेट करने, आप लिख के आते हैं तो बातें नहीं करते, आप अपने यूपीए गवर्नमेंट का समय का डेटा उठा के देख लीजिए कि आदमी कहां से कहां पहुंचा है, उसकी लाइन है, अरे जाने दीजिए सर, आप बचा नहीं पाते आदमी को, मेरे पे विश्वास है, आप दोनों लोग आपको डेटा दे देंगे, ठीक है सर, आप दोनों लोग प्रहार करेंगे, बेचारे बीच में बैठे हैं, समझ रहे हैं, एक प्रहार नहीं, एक प्रहार नहीं, सर एक मिनट, सर हमारे सहयोगी के पास चल रहे हैं, रवि के पास चल रहे हैं, रवि एक मिनट सुन, अगर हम बात करें इस समय कर्नाटक में बहुत अब कम वक्त बचा है, हमने ये जिक्र किया था आसिफ जी से कि हमेशा कांग्रेस माहौल बनाने में फेल साबित हुई है, कोई भी राज्य आप उठा लीजिए, क्या इस बार भी कर्नाटक में यही चीज भारी तो नहीं पड़ जाएगी कांग्रेस पे, क्योंकि ना कोई रैली, ना कोई प्रचार, ना कोई जोश, ना कोई उत्साह, रवि? नहीं नहीं सागर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, देखिए कर्नाटक, मैं तो ये कह रहा हूँ बार बार आपको कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, और आप देखेंगे कि पहले भी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा आखिरकार दक्षिण से क्यों शुरू हुआ,
आपको याद होगा कि मांडिया जो जेडीएस का गढ़ माना जाता है वहां से सोनिया गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में एंट्री किया। मांडिया ही क्यों चुना गया? क्योंकि जेडीएस का वहां पर गढ़ माना जाता है, कर्नाटक के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है और कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। और देखिए जेडीएस का बार बार जिक्र हो रहा है तो एक बात बताना बहुत जरूरी है कि जेडीएस के साथ कांग्रेस पार्टी दोस्ती भी करना चाहती है और उसे डरा कर रखना भी चाहती है, क्योंकि और भी तमाम जिले थे जहां से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सोनिया गांधी जुड़ सकती थी, पर सोनिया गांधी ने सिर्फ और सिर्फ मांडिया ही चुना और मांडिया से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की, वहां पर उन्होंने कदम ताल किया। तो जेडीएस के साथ एक ऑपरेशन भी कांग्रेस पार्टी का चल रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है चुनाव के बाद तो किस तरीके से उनके साथ मिलकर फ्रेंडली जो मैच है वो खेला जाए। पर देखना होगा कि जेडीएस किन बातों के साथ बांधती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ऑलरेडी पहले जेडीएस का रह चुका है, तो ऐसे में अब कंप्रोमाइज कैसे करेंगे वो तस्वीरें बहुत दूर की है। पर जहां तक ताकत की बात है, रवि देखिए आपने इतना अधिक कवर किया भारत जोड़ो यात्रा, तो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस कितनी मजबूत अवस्था में है और आपने तो कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत भी देखी थी। शुक्रिया रवि आपका, दीपक आपका पूरी जानकारी के लिए। लेकिन बीजेपी के माहौल को लेकर, कर्नाटक चुनाव को लेकर अरुण सिंह यानी कि बीजेपी के सांसद क्या कहे, सुनिए आप। बोमई जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वह भी जनता तक पहुंचाने का काम किया और व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार पुनः बनाने वाली है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने मंडिया में भी इस बात को बोला कि जेडीएस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को जम करके प्रचंड रूप से उनके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जेडीएस के माध्यम से कभी भी कर्नाटक का भला नहीं हुआ। तो चलिए देखिए, आप देख रहे थे कर्नाटक की तस्वीरें, चर्चा भी लगातार हो रही है। लेकिन एक बार फिर से ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं हमारे तीनों मेहमानों के सामने एक बार दिखा देते हैं कि किसका पलड़ा भारी है ओपिनियन पोल में। हालांकि बीजेपी कह रही है ऐसा होने वाला नहीं है, ये सब आंकड़े झूठे साबित होंगे। अगर हम बात करें ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आलोक जी इसी पर कह बैठे, नहीं नहीं देखिएगा ये लाइनें गलत हो जाएंगी जब परिणाम सामने आएंगे। वही कांग्रेस की सीटें बढ़ने का अनुमान भी लगाया जा रहा है और वो भी सीटें बहुत ज्यादा है, मतलब कि अकेले दम पर कांग्रेस सरकार भी बना सकती है। राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, यानी कि हो सकता है कि जेडीएस का साथ ना लेना पड़े, ये भी हो सकता है। बीजेपी को 68 से केवल 80 सीटें मिल सकती हैं इसके बीच। वही कांग्रेस को कर्नाटक में 115 से 127 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं, यानी कि जादुई आंकड़ा केवल 113 का है। वही कुमार स्वामी की पार्टी जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि किंगमेकर जिसका जिक्र पाठक जी ने किया था। अन्य दलों को 0 से 2 के बीच सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए देखिए, बीजेपी को 35% वोट मिलने का अनुमान है, ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं आगे। लेकिन जल्दी से अब केवल अब दो दो लाइन का कमेंट अब हमारे तीनों जो एक्सपर्ट यहां पर बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी और कांग्रेस से बीजेपी से, जान लेते हैं आखिरी कमेंट आपका सर। देखिए सागर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी ओपिनियन पोल आया है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन आप देखेंगे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जैसे जैसे ये रणभेरी बजेगा, चुनावी बिगुल फूकेगा, उसमें वोटर्स के मन को जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में वो भांप लिया जाता है और वो बदलते देर नहीं लगती है। तो इस फैक्टर को भी देखा जाए, हिमाचल को छोड़ दीजिए, हिमाचल में वो परिपाटी थी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, वही चीज राजस्थान में भी है और इस बार वही होगा भी। तो हिमाचल राजस्थान एक अलग चीजें है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में वो परिपाटी बदल गई, वो अलग था, क्योंकि ओपिनियन पोल गलत साबित हो सकता है। हाँ, ओपिनियन पोल गलत साबित हो सकता है। पाठक जी यानी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, इनकी रिसर्च ये कहती है कि ओपिनियन पोल गलत साबित हो सकता है। आसिफ जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम कहेंगे जाके जिस तरीके से चुनाव की शुरुआत दक्षिण से होने जा रही है वहां चुनाव जीतेंगे और कर्नाटक की जनता चुनाव जीतेगी। किस तरीके से कर्नाटक की जनता ने ये भ्रष्टाचार झेला है ये सबके सामने है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और भ्रष्टाचार जो समुदाय मठ है उनके लोगों ने भी झेला, उन्हें मालूम भ्रष्टाचार क्या है। इससे कोई भी बिरादरी जात मठ मस्जिद मंदिर अछूते नहीं रहे, बिल्कुल। तो इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है और इसकी शुरुआत कर्नाटक से होने जा रही है। चलिए मैं यही कहूंगा, दक्षिण यानी कि प्रवेश द्वार, कांग्रेस का ये कहना कि प्रवेश द्वार में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस का प्रवेश होगा। आलोक जी देखिए, हम कर्नाटक दोबारा से जीतने जा रहे हैं, हम इतिहास पलटेंगे। और हिमाचल में भी बोला था सही, देखिए हिमाचल में ओटीएस स्कीम ने कर्नाटक में, बस मैंने इंटरप्ट कर दिया, आपने लोगों का दिमाग उससे विचलित हो गया ओटीएस स्कीम से, जो कांग्रेस लागू नहीं कर पाएगी, जो कहा वो नहीं कर पाएगी, उसके पास उसके लिए फंड ही नहीं है।
वो सेंटर से भीख मांग रही है कि मुझे पैसे दो। कि आप ये कह रहे हैं कि वापसी तय? बिल्कुल तय है। और एक हमारे बड़े समय कम है, चर्चा बहुत अच्छी रही सर, समय कम है। आसिफ जी, आसिफ जी, समय कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम है सर। तो चलिए, तो आपने पाठक जी को सुना, आसिफ जी को आपने सुना कांग्रेस की तरफ से, और आलोक वर्ष जी बीजेपी की तरफ से आए थे, जिन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोग का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से कांग्रेस की, हम बात करें नैया पार होने को लेकर, क्या कांग्रेस बाजी मारेगी क्या, लेकिन कर्नाटक की वैतरणी में किसकी नैया पार होगी, सवाल ये अभी बना हुआ है। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट और बीजेपी बार बार यही कह रहे हैं कि सारे ओपिनियन पोल ये पूरी तरह से फेल साबित होंगे, लेकिन इंतजार करिए चुनाव की तारीखों का, और लोकतंत्र के महापर्व में आप भी हिस्सा लीजिए। और न्यूज इंडिया पर ओपिनियन पोल के सटीक विश्लेषण पर फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।